पवित्र अवसर और महान उद्देश्य का समर्थन करने के लिए यहाँ पधारकर हमें सम्मानित किया है। शाकाहार की महिमा हर धर्म, हर संस्कृति और विचारधारा से परे है। यह करुणा, अहिंसा और स्वास्थ्य का संदेश देती है। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ माननीय आचार्य लोकेश मुनि जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपना संबोधन दें। हम आपकी अमूल्य दृष्टि और मार्गदर्शन से आलोकित होने के लिए उत्सुक हैं। विश्व शाकाहार दिवस जागरूकता के लिए आयोजित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर एम वेंकटेश जी, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल डी वेंकटेश जी, डॉक्टर श्रीनिवास जी जो कि डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर डी सी जैन साहब जो आज के कार्यक्रम के उत्सव पुरुष को अतिशोक्ति नहीं होती, जिन्होंने अलग जगह रखी है और आपको और हमको सबको ये जागरूक करते हैं। अभी जिनको हमने सुना डॉक्टर एच एस जैन जी, हमारी बौद्ध परंपरा के आदरणीय विद्वान दीपांकर भंते सुमेधो जी उपस्थित बंधु और बहनों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, क्योंकि मैं धर्म के क्षेत्र का व्यक्ति हूं और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अध्यात्म की साधना के लिए, धर्म की आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है और आहार का और स्वास्थ्य का ही नहीं, आहार और अध्यात्म का संबंध है, आहार और आचार का संबंध है, आहार और विचार का संबंध है, आहार और व्यवहार का संबंध है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मंच पर जब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बैठे हो, ऐसे साइंटिस्ट और डॉक्टर हो, तब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने और अध्यात्म के क्षेत्र के महापुरुषों ने आहार को तीन भागों में बांटा, तामसिक आहार, राशिक आहार और सात्विक आहार। ये समझने की जरूरत है कि मांसाहार का निषेध क्यों है। केवल अगर हम इसको हिंसा अहिंसा से कहें, पाप और पुण्य से कहें, ये बहुत स्थूल बात होगी। मूलतः आहार न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारा मन, इंद्रिय, आत्मा, भावना, इन सबको प्रभावित करता है। तो चूंकि मांसाहार तामसिक आहार की कोटि में आता है, वो हमारे भीतर तमस को पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, आक्रामकता को पैदा करता है और एक शब्द में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करता है। इसलिए मांसाहार का निषेध है, वो हमारी चित्त वृत्तियों को दूषित और उत्तेजित बनाता है। राशिक आहार वो आहार है जिस आहार में प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि, जैन दर्शन में जिसे विवेक कहा गया। और आज आपको बताते हुए मुझे इस बात की सात्विक प्रश्नता है कि अब केवल शाकाहारी नहीं, इससे एक कदम और आगे वीगन का एक प्रचलन। और आपको बताऊं, पिछले दिनों अप्रैल और जून महीने में मैं जब अमेरिका की यात्रा पर था, पश्चिमी देशों के रेस्टोरेंट में, वीगन रेस्टोरेंट में आप जाइए, आपको वहां पर गोरों की संख्या अधिक मिलेगी क्योंकि तेजी महत्व है। तो आइए बंधुओं, हम इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इन डॉक्टरों से समझें, इन विद्वानों से समझें, इन साइंटिस्टों से समझें और आने वाली पीढ़ी को अगर आप विज्ञान से जोड़ करके समाधान देंगे। अभी हमारे डॉक्टर एच एस जैन जी ने 6 समस्याओं का उल्लेख किया था, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि उसका भी किस तरह से मानस, अगर आप अपने बच्चों को उस तरह से अगर समझाइए कि हमारा जो है शरीर की संरचना ही
शाकाहारी प्राणी की भिन्न संरचना होती है, मांसाहारी प्राणी की भिन्न संरचना होती है, उसकी दांत, उसकी आंख, उसके पंजे, और केवल इतना ही नहीं, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कैसे हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है, किस तरह से उसमें पानी का अपव्यय होता है। इन सारी तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम भावी पीढ़ी को भी समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो अभियान से जुड़ेगी। पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा के दौरान मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से जब चर्चा हो रही थी, मैंने उनसे भी कहा कि ये गन वायलेंस यहाँ की जो आपकी प्रमुख समस्या है, उसका सॉल्यूशन केवल गन पर प्रतिबंध लगाना ही नहीं है। एक गन पे प्रतिबंध लगाएंगे वो दूसरी उठा लेगा, तीसरी उठा लेगा। असली समस्या है मानव मस्तिष्क की, ये गन की नहीं, ये हमारे मस्तिष्क की, ये खोपड़ी की समस्या है। तो अगर उसमें चेंज लाना है तो प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को जोड़ना होगा। आइए हम सब इन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को जो है डॉक्टर डीसी जैन साहब के नेतृत्व के अंदर जोड़े और इस दिशा के अंदर समाज को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से समाज लाभान्वित होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो आप कार्य जमीनी धरातल पर, इसलिए कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, काटा है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो डीसी जैन साहब, आप जो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, सृजन का कार्य कर रहे हैं, उत्थान का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए आपके सम्मान में कहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी वीरों का बनता है। बोले संत की सराहना करते हुए समय सीमा में अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। ओ